गोरखपुर के बांसगांव गगहा व खजनी थाने को बाह्य न्यायालय बांसगांव के संबद्ध किए जाने के आदेश को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के प्रशासनिक न्यायमूर्ति द्वारा अग्रिम आदेश तक स्थगित कर देने के से आक्रोशित बांसगांव के अधिवक्ताओं ने बृहस्पतिवार को CGM न्यायालय के समक्ष जमकर नारेबाजी की तथा अनिश्चितकालीन क्रमिक अनशन भी शुरू कर दिया, जिससे दीवानी कचहरी में अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। इस संबंध में बार के अध्यक्ष यशवंत सिंह श्रीने तथा मंत्री इंद्रजीत सिंह ने बताया कि बार के सदस्यों की बैठक में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के प्रशासनिक न्यायमूर्ति द्वारा गगहा व बांसगांव थाने को बांसगांव बाह्य न्यायालय के संबंध करने के संबंधी आदेश को गत 30 मई अग्रिम आदेश तक स्थगित कर देने से बांसगांव के अधिवक्ताओं में रोष व्यक्त किया है। बैठक में निर्णय लिया गया कि आज अधिवक्ता न्यायिक कार्यों से वितरित रहेंगे। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि दोनों थानों को बांसगांव न्यायालय के संबद्ध न किए जाने तक अधिवक्ताओं द्वारा निश्चितकालीन क्रमिक अनशन चलता रहेगा। बैठक में के लिए एक अन्य निर्णय के अनुसार बार का एक प्रतिनिधिमंडल हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश तथा प्रशासनिक न्यायमूर्ति से ही भेंट कर वादकारियों के अपना पक्ष प्रस्तुत करेगा। गोरखपुर से ब्यूरो चीफ मोहम्मद हनीफ की विशेष रिपोर्ट। क्रमिक अनशन को लेकर आप लोग क्या कहना चाहते हैं? क्रमिक अनशन यहाँ 1994 के पूर्व थाना खजना संबद्ध था, लेकिन कतिपय कारणों से वो फिर संबद्ध हो गए जिला दीवानी न्यायालय गोरखपुर। हम उनकी मांग होती रही तो फिर 26/5 को फिर एक आदेश हुआ कि ये थाना खजनी थाना जगह बांसगांव दीवानी न्यायालय के क्षेत्राधिकार से संबद्ध कर दिया। उसके बाद ये गोरखपुर के जो अधिवक्ता हैं, मैं उनको अराजक ही कहूँगा, अपने अराजकता के बल पर जिला जज को दबाव देकर उनको दबाव में लेकर प्रेशर में लेकर इसमें जिला जज भी खड़े में शामिल है और उन्होंने गलत रिपोर्ट प्रस्तुत किया प्रशासनिक न्यायमूर्ति इलाहाबाद को और वहाँ से ये जो आदेश था 26/5 का क्षेत्राधिकार के संबंध उसको स्थगित कर दिया। इसके मद्देनज़र एक मीटिंग की आहूत की गई, जो तो साधारण सभा की बैठक थी, उसमें सर्वसम्मत से प्रस्ताव किया गया कि प्रशासनिक न्यायमूर्ति से माने मुख्य न्यायमूर्ति से डेलीगेशन मिलेगा और क्रमिक अनशन पे हम बैठे रहे। अगर यदि ये स्थगन समाप्त नहीं होता तो पुनः हम लोग तालाबंदी भी करेंगे, घेराव भी करेंगे और कोर्टों पे हम लोग ताला देंगे। ये हम लोगों की मंशा है। जब तक नहीं आएगा तब तक ये अनशन जारी ही रहेगा, उसके बाद आगे भी और पूछताछ करेंगे। ये हमारा जो क्रमिक अनशन है ये वादकारियों के हित के लिए है। हम लोग वादकारियों के हित के लिए आज क्रमिक अनशन पर बैठे हैं। गगहा थाने से गोरखपुर की दूरी हमें लगता है कि 40 किलोमीटर की दूरी होगी और बांसगांव न्यायालय की दूरी लगभग 14 किलोमीटर के करीब है। गगहा हमसे बिल्कुल करीब है, खजनी आप देख लेंगे कि उनवर के आसपास का एरिया भी खजनी के अंतर्गत आता है और ये सारे मामले अगर बांसगांव न्यायालय में, जैसा कि पूर्व में ये दोनों ही थाने यहाँ पे संबद्ध थे, अगर यहाँ उनकी कार्रवाइयाँ चलती हैं तो वादकारियों को बहुत ही सुलभ और सस्ता न्याय मिल सकेगा। लेकिन क्योंकि कतिपय कारणों से वो गोरखपुर में संबद्ध हो गया और उसका नाजायज बेजा लाभ वहाँ के अधिवक्ता अपनी दबंगई के बल पे जिला जज साहब पे CGM महोदय पे एक अवैधानिक दबाव बना करके गलत रिपोर्ट उन्होंने भिजवाया और वो जो आदेश आएंगे हमारी मांगे नहीं पूरी की जाएगी तो हम न्यायालय में तालाबंदी भी करेंगे। अधिकारियों के हित के लिए ये आमरण अनशन बैठे हैं। जो गगहा और खजनी थाना पहले यही पूर्व पर चलता था, कुछ वर्षों पहले यहाँ से जिले पर अटैच कर दिया गया और पुनः माननीय न्यायालय उच्च न्यायालय ने आदेश पारित किया कि वह पुनः उस न्यायालय में स्थापित कर दिया जाए, जिससे अधिकारियों को अच्छा न्याय, सुलभ न्याय और नज़दीक समय कम में दूरी में मिल सके। हम ये कहना चाहते हैं जिला के अधिवक्ताओं के दबाव में जनपद न्यायाधीश महोदय ने जो स्थगन किया माननीय न्यायालय के आदेश को, ऐसा क्यों कर रहे हैं? कोई नई चीज तो आ नहीं रही है। वही थाना जो है पेंड कर रहा था दोनों, वही थाने पुनः हमें मिल रहे हैं, कोई नई बात तो है नहीं, तो वो स्थगित क्यों कर रहे हैं? और मैं उनको ये कहना चाहता हूँ, अगर ऐसा
माननीय न्यायालय के आदेश का अगर संचालन नहीं हुआ तो हम लोग इससे भी कुछ आगे बढ़ करेंगे, तालाबंदी करेंगे, अनशन करेंगे, आत्महत्या आदि कुछ करेंगे।